गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और खूबसूरत से दिन की शुरुआत होती हुई। नीचे देखो, बापा हो किला ग्रियार हो। फिलहाल सूर्य देवता अभी उगे नहीं है और मंदिर में अभी कुछ समय पहले आरती हुई है, तो हम भी नहाना धोना करते हैं, मंदिर जाते हैं। उसके बाद आज से क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो रही है हमारे वहाँ। गाड़ी में बच चुके हैं, थोड़ी आट दिन की शुरुआत होती हुई। मंदिर से आने के बाद सीधे दुकान चलते हैं। राधे राधे दगड़े, मैं गणेश बिशगंगोली आर्थ ट्रैकिंग से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में। तो दगड़ी यार की रेड रोलर रफा, फिलहाल दौड़ते दौड़ते हो गई है मेरी हालत खराब। एक्चुअली सब वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और 11:30 बजने वाले हैं। आज से हमारे वहाँ रंगीला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का आगाज होना है, आज उसका उद्घाटन होना है। हो फोन में फोन उन्होंने भरियो, तो मैंने सोचा पहुँचते हैं पहले वहाँ, उससे पहले 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 रुको ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, सभी बोलेंगे मेरे साथ। आहो दगड़िया सब लोग, पहला बड़ा मनोम इसका स्वागत है मेरे को नहीं ब्लॉग में, हो तुम सब ठीक नहीं लापा बोले एकदम। तो दगड़िया यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ गहरा के मैदान के। वाह केड़ेड़ सभा का टेलना गजब। तो दगड़िया सच चुका है हमारा ग्राउंड पूरा, आज उद्घाटन के लिए तैयार है। दुल्हन की सजा सजा हुआ गहरा का ग्राउंड, सपोर्टिंग स्टाफ में सभी भाई लोग लेबल लेबल। लो उद्घाटन की तैयारियां, हमारे महामंत्री जी आज के मुख्य अतिथि। डूनी और भुलीगांव के बीच खेला जाना है उद्घाटन मुकाबला। हमारे मुख्य अतिथि महामंत्री जी और पूर्व प्रधान बोक्ता मनोहर सिंह खिलाड़ियों से मिलते हुए रेबन काट कर उद्घाटन किया जाएगा। बाकी देविंदर दा भी पहुंचे आज मुख्य अतिथि के रूप में। हेलो गणेश जी, खींचो खींचो। हाँ शाबाश, रिबन काट कर उद्घाटन हो चुका है। रंग माता की जय, भारत माता की जय। इसी क्रम में हम एक छोटी सी राष्ट्रीय गान भी करेंगे, शुभारंभ हो जाएगा हमारा। आ जाओ दोनों टीम कैप्टन ग्राउंड पे आए, भूलीगांव के और तो धोनी के कैप्टन साहब आ चुके हैं, भूलीगांव के भी। टॉस होता हुआ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां। चलो बेस्ट ऑफ लक। हेलो हेलो सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं गणेश बिष्ट। आज रंगीला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच हमारे महामंत्री जी ने किया, इन्होंने हमारी कमेटी को 5,000 रुपए नगद राशि दी, इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने महामंत्री जी का, जो हमारे युवाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको खेल के प्रति आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच है, दो शब्द महामंत्री जी, दो शब्द। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी महोदय और हमारे यूट्यूबर मेरे भतीजा गणेश बिष्ट, आप लोगों के बीच आना ये मेरा, मैं अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। आपने मेरे को एक चित परिचित से मेरे को आपने अवगत कराया और मैं भाजपा ग्रामीण मंडल टोटल एक टूर्नामेंट एक टीम को 25,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। ये लोग हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए हमारी टीमों को कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। आने वाले समय में कभी भी एक छूत एक भूल नहीं होनी चाहिए, जहाँ से जो धंधा से आपको मिला
उसको कबूल लेना चाहिए। जय हिंद जय भारत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है भूली गांव की टीम ने और क्षेत्र रक्षण करेगी डूनी की टीम। भूली गांव के लिए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सूर्या स्ट्राइक पे हैं और नॉन स्ट्राइक पे एजे। वहीं डोनी के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे हैं कृष्णा नाका के नाम से जाने जाते हैं। पहली गेंद टूर्नामेंट की शुरुआत होती हुई काफी अच्छी गेंद। एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था। इस बार रन लेना चाहते हैं और ये पूरा करते हुए रन। ओवर दूसरा ओवर लेकर आते हुए जॉनी सामना करेंगे उनका सूर्या। अच्छी गेंद अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और इस मैच पे और ये पहली सफलता। हटके खेलने का प्रयास था लेग स्टंप पूरा छोड़ दिया और उसी को उड़ा दिया। पहला विकेट का पतन होता हुआ भूलीगांव। अब आते हुए मुक्कू भूलीगांव के लिए नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद कट कर दिया है फील्डर वहां पे मौजूद नागा अपना दूसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंद फील्डर वहां पे मौजूद कोई रन नहीं। फिर से फुल टॉस अच्छी बिल्डिंग यहां पे और ये खतरा एक और सफलता। काफी अच्छी बिल्डिंग हरीश के द्वारा रन आउट के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ भूलीगांव को। काफी अच्छी बिल्डिंग हरीश के द्वारा। नए बल्लेबाज जाते हुए अब डब्बू खेल दिया इस बार मुक्कू ने छह रनों के लिए पहला छीट आती हुई। इस टूर्नामेंट का पहला छक्का मुक्कू के बल्ले से निकलता हुआ शॉर्ट पिच गेंद और उसे उठा के खेल दिया छह रनों के लिए। अपने इन्नी शॉटों के लिए जाने जाते हैं मुक्कू। एक बार फिर से नागा इस बार फुल टॉस गेंद फील्डर वहां पे मौजूद। एक रन आसानी से मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। डोनी के लिए तीसरा ओवर लेकर आते हुए कुंदन उनका सामना करेंगे मुक्कू जो कि पिछले ओवर में एक मैक्सिमम जड़ चुके हैं। पहली गेंद बोरे बोल्ड पहली गेंद पे सफलता। काफी बड़ा झटका लगता हुआ है भूलीगांव की टीम को। चार ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे भूलीगांव। डोनी के लिए पांचवा ओवर लेकर आते हुए सैम अर्जुन उनके सामने है डब्बू। पहली गेंद खेलने का प्रयास था काफी ज्यादा बाहर व्हाइट का सारा अंपायर का। अंतिम गेंद ओवर की इस बार शॉर्ट गेंद पूरा फायदा नहीं उठा पाए आसान सा कैच। एक और झटका लगता हुआ चौथा झटका अंतिम गेंद पे सफलता दिलाई। डब्बू का भी विकेट गिरता हुआ यहाँ पे 21 के स्कोर पर भूलीगांव को लगने वाला चौथा झटका। गैर लेकर कुंदन सामने उनके बसंत खेल दिया इस बार के लिए सातवां ओवर लेकर आते हुए अर्जुन सामने है अमित खेल दिया इस बार काफी अच्छी शॉट पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन छक्का बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद काफी लंबी हिट। पिछली गेंद पे छक्का खाने के बाद इस गेंद में वापसी करते हुए अर्जुन अच्छी वापसी फिर से हल्के हाथों से खेला है यहाँ पे। निश्चित तौर पर हाफ चांस पहुंच चुके थे गेंद तक दो रन पूरे कर दिए। अगली गेंद अर्जुन की फिर से इस बार पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपरी भाग में लगी और गेंद मिड ऑन की दिशा में जाई जब तक फील्डर कलेक्ट करते दो रन आसानी से पूरे करते हुए तीसरे के लिए भी आ जाएंगे। यहाँ पे तीन रन पूरे करते हुए ओवर की चौथी गेंद लेकर अब अर्जुन उनके सामने होंगे बसंत। ओ खेलने का प्रयास जरूर था नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल समय। ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलते हुए अर्जुन अंपायर को पार करते हुए खेल दिया इस बार बेहतरीन शॉट छह रनों के लिए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन। उनके सामने होंगे अब बसंत हल्के हाथों से खेला पुश किया फील्डर वहां पे मौजूद। ओवर की तीसरी गेंद सामने है बसंत खेल दिया एक बार फिर से उठा के मिड ऑन की दिशा में एक और छक्का। बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इंदर की अगली गेंद खेल दिया एक बार फिर से फ्लिक कर दिया है गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ एक रन आसानी से मिलेगा। इसी एक रन के साथ 50 का आंकड़ा पार करती हुई भूलीगांव की टीम। इंदर अगली गेंद लेकर सामने है अमित फिर से खेलने का प्रयास शॉर्ट गेंद जरूर थी चूकते हुए। ओवर की अंतिम गेंद लेकर फिर से खेलने का प्रयास जरूर था नीचे रहती हुई गेंद ओवर समाप्त होता हुआ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे भूलीगांव।
लिया थी। अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इस बार फिर से खेलने का प्रयास जरूर था। आंखों आंखों में रन चुरा लिया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कहने ही वाला था मैं, उसी बीच विकेट गिरता हुआ। एक और झटका रन आउट के रूप में। अच्छा खेल रहे थे, अच्छे लग रहे थे बसंत, पर अपनी इस बार उठा के खेल दिया। 6 रनों के लिए काफी बेहतरीन शॉट। 18 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित मोनू। अब ओवर की चौथी गेंद लेकर उनके सामने एक बार फिर से अमित, पिछली गेंद पे जड़ चुके हैं एक मैक्सिमम, फिर से खेल दिया है उठा के। इस बार गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरह, फील्डर वहां पे मौजूद जरूर। एक ही रन मिलेगा दूसरे के लिए भी। बॉल जा चुकी है नीचे झाड़ियों में। मेरा अनुरोध है बॉल खोजी दस्ता अड़की चिमौड़ा तुबड़ो और कपाला जहां कहीं भी हैं, जल्दी से आएं और बॉल ढूंढे। ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 5 विकेट के नुकसान पे भोलीगांव। जॉनी 11वां बल्ले कर उठा के खेल दिया, फिर से गया जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और छक्का, लगातार छक्कों में डील करते हुए अब इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। बॉल खोजी दस्ते से अनुरोध है जल्दी से पहुंचे। अड़की तुबड़ू चिमौड़ा और बाज की निगाहें रखने वाले कपाला भाई जहां कहीं भी हैं, जल्दी से ग्राउंड के करीब आए। अमित एक बार फिर से तैयार, जॉनी की अगली गेंद का सामना करेंगे, फिर से उठाने का प्रयास जरूर किया था। तीसरी गेंद ओवर की, फिर से काफी ज्यादा बाहर, अच्छी लाइन। पहली गेंद पे बाउंड्री खाने के बाद उसके बाद वापसी करते हुए यहाँ पे जॉनी लगातार दूर रखते हुए अब उनसे गेंदों को, फिर से दूर इस बार उनके पाले में गेंद और एक और लंबा गगनचुंबी छक्का, तालगैर जाती हुई गेंद सीधे, बेहतरीन छक्का अमित के बल्ले से, जितने लंबे हैं उससे भी बड़ी लंबी हिटा मारते हुए। 12 रन आ चुके हैं अभी तक, 2 छक्के मार चुके हैं इस ओवर में। जरूर उनकी सोच रहेगी कि अब इस ओवर को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। 2 गेंदों का खेल और शेष इस ओवर में। एक बार फिर से लंबे लंबे कदम से अंपायर को पार करते हुए जॉनी, फिर से कट कर दिया इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद। काफी 11 ओवर की समाप्ति के बाद 77 5 विकेट के नुकसान पे भोलीगांव। पारी का 12वां बल्ले कराते हुए मोनू, इस बार झटका, पहली गेंद पे सफलता, बिल्कुल नए बल्लेबाज आते हुए। अब कम्मू अपनी लंबी लंबी हिटों के लिए जाने जाते हैं, कम्मू भी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। कम्मू उर्फ सरकार, देखो मैंने बोला ही था लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद पे 6 रन, 10 मैचों में इन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा है, दूसरी पे भी मारते हैं। सरकार एक बार फिर से सामना करेंगे मोनू का, फिर से खेल दिया फील्डर, 45 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित। खेल दिया इस बार काफी लंबी शॉट, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ अपने 50 रन भी पूरे करते हुए अमित, बेहतरीन बल्लेबाजी, मात्र 29 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं, अपनी टीम को संकट से उबारा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी, 28 गेंदों का सामना किया और 50 रन का आंकड़ा छूते हुए पहले ही मैच में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हुए एक बार फिर से खेल दी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन 6 विकेट के नुकसान पे भोलीगांव। पारी का 13वां ओवर लेकर आते हुए अब नागा सरकार भी लंबी लंबी हिटों के लिए जाने आते हैं, फिर से खेल दिया है गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रनों के लिए। एक और छक्का आता हुआ सरकार के बल्ले से, खुशी से झूमते हुए यहाँ पे भोलीगांव के दर्शक, बेहतरीन बल्लेबाजी इन अंतिम ओवरों में भोलीगांव के द्वारा। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन, फिर से खेल दिया है एक रन पूरा करते हुए, इसी एक के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए भोलीगांव के। सौरनु का आंकड़ा छूती हुई अब अमित होंगे इस टैग में, फिर से खेल दिया इस बार हल्के हाथों से, फील्डर वहां पे मौजूद जरूर, पर कुछ नहीं कर पाएंगे, बने रह जाएंगे दर्शक। एक और छक्का आता हुआ अमित के बल्ले से, नागा एक बार फिर से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में, फिर से पटकी हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अमित एक बार फिर से इस बार नीचे रहती हुई गेंद, रन लेने का प्रयास, दोनों ही फील्डर काफी तेज विकेटों के बीच, सरकार पहुंच जाएंगे। अंतिम ओवर में वापसी करती हुई भोलीगांव की टीम, शुरुआती ओवर में लग रहा था कि पूरी तरीके से पकड़ बना के रखी थी मैच में, पर अब यहाँ पे वापसी करती हुई, बेहतरीन वापसी, फिर से खेल दिया इस बार थर्ड मैन की दिशा में एक रन। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रन 6 विकेट के नुकसान पे भोलीगांव।
फिर से खेल दिया है सरकार ने, 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से इस बार गेंद हवा में जरूर है, देखते हैं दूरी कितनी प्राप्त की है, और ये दूरी भी पूरी प्राप्त करती हुई एक और छक्का सरकार के बल्ले से। 10 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं सरकार, बेहतरीन बल्लेबाजी अंतिम ओवरों में। फिर से उठा के खेल दिया इस बार, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद, पहला रन तेजी से पूरा करेंगे, दूसरे के लिए आना चाहते हैं सरकार और ये पहुंच जाएंगे आसानी से। अब स्ट्राइक पे आते हुए अमित सामना करेंगे इंदर का, फिर से इस बार गेंद जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रन, अंतिम ओवर फेंका जाएगा अब कोटे का। अंतिम ओवर लेकर आते हुए जॉनी उनके सामने है, सरकार पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर, अच्छी गेंदबाजी। फिर से खेल दिया इस बार, बल्ले पे आई नहीं अच्छी तरीके से, एक रन मिल जाएगा। अमित आते हुए अब स्ट्राइक पे, अगली गेंद जॉनी की काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट का सारा अंपायर। 4 गेंदों का खेल और बचा हुआ है इस पारी का, और स्ट्राइक पे है शॉट बल्लेबाज अमित, जो कि 66 रन बना चुके हैं 35 गेंदों में 66 रन। खेल दिया इस बार, फिर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा देखना होगा, छक्का, एक और छक्का अमित के बल्ले से। अमित अपने 72 के निजी स्कोर पर पहुंचते हुए 36 गेंदों में 139 रन, 36 गेंदों में 72 रन बना चुके हैं अमित, 200 के स्ट्राइक रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए काफी शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 3 गेंदों का खेल और से इस पारी का। फिर से खेल दिया इस बार, एक रन और, अब सरकार आते हुए स्ट्राइक पे, 12 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं सरकार, टोटल 140 रन बना चुकी है भोली गांव की टीम, 2 गेंदों का खेल और शेष। जॉनी ओवर की 5 गेंद, फिर से उठा के खेल दिया सरकार ने, एक और छक्का आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी इन अंतिम ओवर में भोली गांव के बल्लेबाजों के द्वारा। अंतिम गेंद पारी की, देखना होगा सरकार क्या कर पाते हैं। फिर से खेल दिया है और एक और छक्का सरकार के बल्ले से निकलता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी अंतिम ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 152 रन, 153 रन का लक्ष्य अब धोनी के सामने, बेहतरीन बल्लेबाजी की सरकार ने। 14 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद लौटे सरकार, और वहीं 37 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं अमित। नमस्कार सभी दर्शकों का, दूसरी पारी का आंखों देखा हाल लेकर मैं गणेश बिष्ट एक बार फिर से आ चुका हूं। धोनी की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नागा और इंदर पारी की शुरुआत करने पहुंच चुके हैं। धोनी के लिए पारी की शुरुआत करेंगे इंदर, और वहीं भोली गांव के लिए पहला ओवर लेकर आते हुए बसंत। पहली गेंद अच्छी डिलीवरी बोल्ड, दूसरी ही गेंद पे झटका लगता हुआ इंदर आउट होकर वापस जाते हुए, काफी निराश होंगे आज भोली गांव के दर्शकों में खुशी की लहर। पहला झटका लगता हुआ इंदर, जो कि बड़े शॉट का प्रयास कर रहे थे, अब मायूस होकर पेबलन की तरफ जाते हुए। धन्यवाद सूरज काका, धूप आती हुई अब हमारे कॉम बॉक्स में, 63 रन बना चुकी है। इसी बीच जब तक धूप गई, अमित अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, उनके सामने है मोनू। खेल दिया इस बार बेहतरीन शॉट, गया जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ को, 4 रनों के लिए। पहला विकेट खोने के बाद विकेट के लिए जूझते हुए यहाँ पे भोली गांव के गेंदबाज, बेहतरीन साझेदारी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, मोनू और नागा के बीच। अगली गेंद अमित की, इस बार कट कर दिया है पॉइंट की समय, फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे, दूसरे के लिए आना चाहते हैं नागा, काफी तेज है विकेटों के बीच। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पे धोनी। 8वां ओवर लेकर आते हुए मुक्कू, अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 20 रन खर्चे थे।
उनका सामना एक बार फिर से करेंगे। मोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज, दोनों छोरों से रन गति बढ़ाई हुई है, रन लेने का प्रयास जरूर था। मुक्कू ओवर के दूसरी गेंद, काफी शॉट पे डिलीवरी, बॉल उठी नहीं, जिस वजह से हल्के हाथों से खेला, एक रन की, एक रन के लिए कवर की तरफ को फील्डर वहां पे मौजूद। अब स्ट्राइक पे आते हुए नागा फिर से खेल दिया, पॉइंट की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद, मिस फील्ड, एक रन मिल जाएगा। पहले ओवर में खर्चीले जरूर महंगे साबित हुए, तेईस ओवर में वापसी करते हुए फुल टॉस डिलीवरी उठा के खेल दिया, छह रनों के लिए, नो बॉल का इशारा भी अंपायर का और फ्री हिट भी। देखते हैं फ्री हिट में क्या कर पाते हैं। मोनू फिर से फुल टॉस उठा के खेल दिया, एक और छक्का, पूरा फायदा उठाते हुए फ्री हिट का, यहाँ पे एक और महंगा सा ओवर साबित होता हुआ। ओवर की पांचवी गेंद लेकर मुक्कू फिर से शॉर्ट पिच, हल्के हाथों से खेला, इस बार फिर से फुल टॉस, हुक कर दिया छह रनों के लिए, एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन, एक विकेट के नुकसान पे धोनी 32 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे हैं मोनू, और वहीं 13 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं नागा। विमल आते हुए अब अगला ओवर लेकर, काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट का कॉमेंट्री बॉक्स में आए, फिर से खेल दिया है नागा ने, इस बार उठा के छह रनों के लिए जाती हुई, लंबे लंबे छक्के मारते हुए नागा, इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 100 रन, 100 रन पूरी करती हुई यहाँ पे। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 10वां ओवर फेंका जा रहा है, मोनू 24 गेंदों में 44 रन, मोनू 24 गेंदों में 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, कट कर दिया इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद, आसान सा कैच, दूसरी सफलता दिलाते हुए बसंत, पहली बैट पे लगती हुई अपील जोरदार, और ये विकेट छोटे भाई हरीश, हरीश आते हुए अब स्ट्राइक पे कट कर दिया इस बार, कमेंट्री बॉक्स की तरफ बचते हुए यहाँ पे सारे कोई स्टाफ के लोग, ए केयर लत लत दुश्मनी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन, 3 विकेट के नुकसान पे धोनी, 30 गेंदों में 50 रन की आवश्यकता, मैच धीरे धीरे रोमांचक स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ, क्या पहले ही मैच में खेला जाएगा सुपर ओवर, देखना होगा। खेल दिया इस बार हरीश ने, और ये यहाँ पे खतरा बन सकता है, सुरेश सामना करेंगे अमित का, अच्छी गेंद पैड पे लगी, जोरदार अपील, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, अगली गेंद अमित की सामने है, सुरेश पटकी हुई गेंद, इस बार उठा के खेल दिया 6 रनों के लिए, काफी किफायती रहे, पर अंतिम गेंद पे नागा के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का आता हुआ, इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन मात्र, 31 रनों की जरूरत 18 गेंदों में, खेल दिया इस बार उठा के बेहतरीन सिक्स, कुछ हद तक दबाव कम करेगा ये छक्का और वहीं दबाव बढ़ाएगा भूली गांव की टीम पर, इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 128 रन। बॉल ढूंढने वाले लड़के तुबड़ू चिमोड़ा गबड़ू और बाज की निगाहें रखने वाले कपाला भाई जहां कहीं भी हो जल्दी से जल्दी बॉल ढूंढे। अगली गेंद सूर्या की काफी ज्यादा बाहर, वाइड फुल टॉस डिलीवरी फिर से इस बार 4 रन के लिए जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अब मात्र 18 रन की दरकार, 13 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, धीरे धीरे जीत के करीब बढ़ती हुई धोनी की टीम, एक समय ऐसा लग रहा था कि नियंत्रण बना लिया है, और एक और छक्का, इसी छक्के के साथ अपने 50 रन भी पूरे करते हुए नागा, बेहतरीन 50 रन नागा के बल्ले से, 23 गेंदों में 52 रन बना चुके हैं नागा, 12 गेंदों में 12 रन की जरूरत। 14 ओवर लेकर आते हुए मुक्कू, उनके सामने होंगे सुरेश, और ए बोल्ड मुक्कू
अब इस टाइप पे आते हुए नागा जो कि अर्धशतक लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए इस बार एक और सफलता। अंतिम ओवर में सफलताएं मिलती हुई भूली गांव की टीम को। नए बल्लेबाज आते सॉरी 6 गेंद में 10 रन की आवश्यकता है। कॉमेंट्री बॉक्स में आते हुए धोनी के कार्यवाहक कप्तान इंदर जो कि आज 0 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवर डालने को आए हैं सूर्या, उनका सामना करेंगे गुड्डू। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, सारी फील्ड जो है बाउंड्री लाइन के पास पहुंचा दी है भूली गांव के कप्तान ने। नहीं चाहते कि बाउंड्री लगे। पहली गेंद ओवर की, 6 बॉल 10 रन, काफी ज्यादा बार उठा के खेल दिया है। बाउंड्री पे लगाने का कोई फायदा नहीं, दबाव पूरा घटाते हुए 5 बॉल 4 रन। अब 5 गेंदों में अब 4 रन की दरकार। एक बार फिर से गुड्डू, फिर से खेल दिया है और ये छक्का, एक और छक्का। इसी के साथ गेम खत्म होता हुआ 4 विकेट से जीत दर्ज करती हुई पहले ही मुकाबले में। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिला और आज का मैच अब यहीं पे समाप्त होता है। धोनी को मिलती हुई पहली जीत और भूली गांव को मिलती हुई हार। बात की निगाहें रखने वाले हमारे चाचा भी पहुंचे थे आज यहाँ। मैं देखने आ रहा था, मैंने तो मुझे तो मिले ही नहीं। तुमने कहीं बोला चाचा कहाँ मेरे? कहाँ है, आग लगाने वाले तुम ही तो थे, बोला नहीं मैंने। फिर मामू रोला रफड़ा कर दियो था। चलते हैं दगड़ियो आप घर को, अब मिलते हैं कल। कल मिलते हैं दगड़ियो, अब कल मिलते हैं दूसरा मैच लेकर। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नई क्रिकेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय।